अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एडमिशन 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 अक्टूबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात होगी, लो आ गई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि 19 अक्टूबर से होने वाली बीएड की काउंसलिंग टल चुकी है। कई विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के नतीजे न आने से छात्र थे परेशान। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल विज्ञप्ति ये आपके सामने रही। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रेस विज्ञप्ति क्या है। अपरिहार कारणों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 और 22 की दिनांक 19/10/2020 से प्रस्तावित काउंसलिंग स्थगित की जा रही है। काउंसलिंग के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। प्रोफेसर अमिता वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो आपकी काउंसलिंग होने वाली थी उसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। तो दोस्तों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि फिलहाल के लिए जो काउंसलिंग का दोस्तों शेड्यूल जारी किया गया था उसको टाला गया है। उसका रीजन ये था ना कि बहुत से दोस्तों भी ऐसे कॉलेज हैं जहां पर अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो चलिए दोस्तों, इस अपडेट को हम देखेंगे, लेकिन कुछ और बातें होंगी इस वीडियो में कि कब से शुरू होगी काउंसलिंग। फिलहाल दोस्तों अगर स्थगित हो गया परीक्षा की जो काउंसलिंग है उसको चेंज किया गया है, तो फिर अब कब से शुरू होगी काउंसलिंग अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और यूपी बीएड काउंसलिंग 2020 लेटेस्ट अपडेट, नई शिक्षक भर्ती 2021 अपडेट भी आपको हम इस वीडियो में देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले साल एक बड़ी भर्ती आपके सामने देखने को मिल सकती है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। जैसा कि दोस्तों हो सकता है कि कल आपने देखा हो कि 31,661 शिक्षक भर्ती के नव नियुक्त शिक्षकों को देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। पहली नियुक्ति पर ही मिलेंगे 42,000 रुपये सैलरी। जी हाँ दोस्तों, कल जो अगर आपने देखा होगा सीएम योगी जी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मतलब छात्रों में नियुक्ति पत्र बांटा उन्होंने, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी ना पहले महीने की, वो दोस्तों 42,000 रुपये उनको पर मंथ अब सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको दोस्तों पहले हम दिखाना चाहेंगे कि कैसा मतलब नियुक्ति का आदेश मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसी आदेश के लिए आप लोग परेशान हो रहे। देखिए ये दोस्तों नियुक्ति आदेश से कुछ ऐसा लिखा रहेगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चों के नाम है जो कि देखिए सभी वर्गों में से आते हैं, चाहे सबसे ऊपर एससी कैटेगरी से जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी, ओबीसी, तो मतलब हर एक कैटेगरी के बच्चे मतलब यहाँ पर नियुक्ति पत्र लेते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम बता देते हैं कि बीएड की तरफ से क्या खबर निकल कर आ रही है, इसको जरा हम देख लेते हैं। देखिए राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए 19 अक्टूबर से प्रस्तावित काउंसलिंग टाल दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने काउंसलिंग को टालने का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जानकारी या जानकारों की माने तो बीएड की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अंतिम वर्ष की मार्कशीट की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। कई ऐसे राज्य विश्वविद्यालय जिन्होंने अभी तक परीक्षा के नतीजे जारी नहीं किए हैं, इसके चलते अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। छात्रों की ओर से लगातार इस काउंसलिंग को टालने की मांग उठाई जा रही थी। इससे दोस्तों पहले यह काउंसलिंग सितंबर के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित थी। उस दौरान भी दोस्तों कई विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराए जाने के कारण इसे टाल दिया गया था। इस काउंसलिंग के माध्यम से बीएड की 2 लाख से ज़्यादा सीटों पर प्रवेश होने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। देखिए आप लोग अब बीएड में आएंगे मतलब पढ़ाई करेंगे 2 साल, उसके बाद देखिए नई नई नौकरियाँ आपके सामने आने वाली हैं। कल दोस्तों आपने देखा होगा तो 31,000 से अधिक बच्चों को नियुक्ति पत्र बटे हैं, जिनमें से दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी 42,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मतलब बहुत बड़ी बात है आज की डेट में अगर आप पहले महीने से 42,000। लेकिन देखिए जब आपका समय आएगा ना 2020 और 2022 जो आपका बैच बनेगा, तब तक ये मानकर चलना है कि इन्हीं बच्चों की सैलरी 50,000 के ऊपर होगी। 2 साल में 8,000 सैलरी तो आराम से बढ़ जाती है, तो 50,000 के ऊपर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी गाइस, तो मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी। देखिए अब क्या है ना कि अब जब बीएड में आप एडमिशन लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर। अभी तक जितनी मौज मस्ती करनी है आप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास समय है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका एडमिशन होगा उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ने लग जाएंगी और देखिए टेंशन आ जाएगा कि हमें कैसे मतलब क्लियर करना है बीएड परीक्षा को। और चलिए आपको बता देते हैं नए शिक्षक भर्ती 2021 कैसे मतलब होगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती के क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, किसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलेगी, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति जो दोस्तों आपके सामने, अधिक जानकारी के लिए हमने कमेंट बॉक्स में नीचे एक लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से भी बीएड काउंसलिंग के जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी दोस्तों आप वहाँ से उसको चेक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, होता है ना काफ़ी बार कि नई नई अपडेट आ जाती है आप उसको देख नहीं पाते, तो फिलहाल दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से आप लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती 2021 अपडेट।
जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती 2021 अपडेट में बात तो होगी, लेकिन शिक्षक भर्ती के क्या नियम, क्या कानून, कैसे आपको नौकरी मिलेगी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तक क्या होता था, जो बीएड के बच्चे होते थे वो टीजीटी पीजीटी अपना देखते थे, लेकिन अब दोस्तों सरकार ने नियम को थोड़ा सा बदल दिया है। अब दोस्तों जो बीएड करने के बाद आप लोग प्राइमरी पीआरटी के भी टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर। तो जो आप देखते होंगे दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5 तक आप देखते होंगे ना, प्राइमरी स्कूल होते हैं गाँव में आपके, जहाँ पर भी निकलते होंगे, तो वहाँ पर अगर आप टीचर बनना चाहते तो बीएड करके भी वहाँ पर भी टीचर आप बन पाए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इसका पेपर कैसे होता है, कैसे नियुक्ति पत्र बढ़ता है, क्या क्या इसमें चीज़ें मांगी जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं पीआरटी के माध्यम से, तो यहाँ पर परसेंटेज का बहुत बड़ा खेल है। जी हाँ दोस्तों, जिस बच्चे के जितने ज़्यादा परसेंटेज, उसकी नौकरी पाने की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों देखें, सबसे पहले दोस्तों आपके हाई स्कूल के परसेंटेज यहाँ मांगे जाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके इंटर के परसेंटेज यहाँ मांगे जाते हैं, ट्वेल्थ के मतलब, फिर ग्रेजुएशन के ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है एवरेज जिसको कह सकते हैं, उसके बाद आपका बीएड का परसेंटेज, और दोस्तों लास्ट में जो आता है वो 60% आपका आता है सुपर टेट। जी हाँ दोस्तों, HTET। एक बात और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हाई स्कूल का आपको 10% लेना होगा, इंटर का भी दोस्तों आपको 10% नंबर, ग्रेजुएशन का भी 10% और बीएड का भी 10%। 10 10 10 10, 4 बार 10 से 40% ही होगा, 60 ही होगा, 40 और 60 100% होता है। तो मतलब दोस्तों आपको कुछ रिजल्ट ऐसे ही डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको अब हम इस वीडियो में देंगे। देखिए दोस्तों होता क्या है कि बीएड के जो छात्र होते हैं बड़ी संख्या में पास तो कर लेते हैं सुपर टेट की परीक्षा, संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है, जो बच्चे डीएलएड करते हैं उनकी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो देखिए आप लोग बीएड में एडमिशन ले जरूर रहे, लेकिन आपको अपने परसेंटेज पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीएलएड करते हैं तो नॉर्मली जो डीएलएड में बच्चों के परसेंटेज आते हैं वो 85 से लेकर 95% तक आ जाते हैं डीएलएड करने पर। और 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने 85 को 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8.5 अंक का गुणा, या दोस्तों 95 को मतलब 9.5 अंक का गुणा। देखिए इस बार भी ऐसा हुआ ना नौकरी में कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 0.1 गुणांक से भी बाहर हो गए। तो गाइस यहाँ पर नंबर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। देखिए जब आप बीएड और प्राइमरी शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हो तो फिर नंबर लाने में कहीं से कंजूसी आपकी नहीं होनी चाहिए, जितने अधिक से अधिक आपको नंबर मिले उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये दोस्तों बात होगी नंबर को लेकर, कैसे आपको नौकरी मिल जाएगी, परसेंटेज देखे जाएंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जैसे आप बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स या फाइनल ईयर में आप पहुंचते हैं तो आपको एक मौका दिया जाता है टीईटी परीक्षा देने का। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे टेट में दोस्तों दो तरह के होते हैं, चाहे तो आप यूपी टेट का परीक्षा पास कर लीजिए, चाहे तो दोस्तों आप सी टेट की परीक्षा पास कर लीजिए, जो भी आपको आसान लगे आप उस परीक्षा को पास कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमारे हिसाब से सी टेट आसान क्यों होता है, क्योंकि देखिए सी टेट का जो पेपर होता है वो 15-15 नंबर में डिवाइडेड होता है, 15+15, 15 नंबर का पेडागोजी होगा, फिर उसके बाद 15 नंबर के साधारण गणित होगी, ये सब चीज़ें होंगी, तो आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15-15 नंबर, जैसे 15 नंबर इंग्लिश में भी पेडागोजी आ गई, हिंदी में भी आ गई, ये आपके लिए आसान होता है। देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़कर नहीं जाते, तुक्का लगाने के भरोसे जाते हैं, तो उनके लिए सी टेट थोड़ा आसान है यूपी टेट की तुलना में। यूपी टेट में क्या है कि आप तुक्का नहीं लगा सकते, पेपर आसान जरूर आता है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी गणित इंग्लिश या संस्कृत ये सब ठीक ठाक होगी ना, तभी तो आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो आप कहेंगे यार यूपी टेट का पेपर आसान है, वो खाली एक तरह से अफवाह बन जाती है, जब रिजल्ट आता है तो दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी होता है। लाखों बच्चे यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा में फेल होते हैं, उससे दोस्तों आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे और जो जानकारी आप तक भी पहुँचनी जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, पहला सवाल ये खड़ा होता है, यूपी बीएड काउंसलिंग कब होगी? जी हाँ दोस्तों, कब से शुरू हो सकती है और कब खत्म होगी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय आज से हमारा नवरात्र शुरू हो रहा है, तो अब हमें यही मानकर चलना पड़ेगा कि दीपावली से पहले कोई आसार नहीं रखे तो बेहतर होगा, क्योंकि इस समय अगर दोस्तों मतलब काउंसलिंग करानी होती तो ये करा सकते थे, लेकिन फिलहाल अगर नहीं कराएं तो हम दीपावली के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो दिवाली के बाद आगे शुरू किया जाएगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका ये सवाल था कि अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। देखिए गाइस, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, बस वही है ना कि फाइनल ईयर के बच्चों को रिजल्ट आ नहीं पा रहा है, तो अगर आपके कॉलेज में रिजल्ट आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, रिजल्ट नहीं आया तो अभी आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को रिजल्ट आया वो मौज मस्ती कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं आया उनको डरना नहीं, जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल देखिए नियुक्ति पत्र ऐसे मिलेगा आगे चलकर आप लोग को, खाली आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
देखिए सबसे अच्छी बात दोस्त ये थी कि यहाँ पर हर एक कैटेगरी के बच्चे मतलब नौकरी पाते हैं। आरक्षण, जातिवाद, ये सब को थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या होगा ना कि इन्हीं में आप फंस कर रह जाएंगे। तो दोस्तों और भी जितनी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल अभी आपको हम यही जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपके दोस्त 19 अक्टूबर से मतलब काउंसलिंग शुरू होने वाली थी, फिलहाल के लिए दोस्तों इसको स्थगित किया गया है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अगर दिन हो रहा तो हैव अ नाइस डे।